Good morning, my lovely students. How are you all? I hope आप लोग study अच्छे से कर रहे होंगे घर पे और fit and healthy भी होंगे. सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, बहुत infection हो रहा है. ठीक है? So this is your English oral period, conversation period. Students, पहली class में हमने क्या सीखा था? Conversation सीखा था mother और kid के बीच में. Morning hours में, सुबह जागने से लेके स्कूल जाने तक. So, आज हम उसका क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था, ये वाला कन्वर्सेशन. इसलिए सबको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और ये वाला वीडियो सबको देखना है और रिवाइज करना है. सो चलिए नाउ स्टार्ट. MOTHER मदर. इसमें हम क्या बताएंगे कि मदर और एक किड्स के बीच में क्या मॉर्निंग में बात होती है. तो क्या होता है मदर? सबसे पहले सुबह सुबह मॉर्निंग में मम्मा आपके पास आती हैं, आप सो रहे होते हैं, तो मम्मा क्या कहती है? गेट अप. क्या कहती है मम्मा? गेट अप, मतलब उठ जाओ. उठाती ना आपको, गेट अप. उसके बाद आप क्या बोलते हैं? केयरिंग किड. स्टूडेंट, आप बच्चे, आप लोग क्या बोलते हो? गेटिंग अप. अभी मैं उठ रहा हूँ. क्या बोलते हैं? GETTING, गेटिंग. यूपी अप, गेटिंग अप, मतलब अभी उठ रहा हूँ. बोलते हैं ना सब बच्चे? जरूर बोलते हैं कि मम्मा अभी उठ रहा हूँ. तो अब आप क्या बोलेंगे? मैं आपको एक कन्वर्सेशन सिखा रही हूँ, अब सब बच्चे ऐसे ही इंग्लिश में बोलेंगे मम्मा से. ठीक है? क्या बोलेंगे? मम्मा गेटिंग अप, अभी उठ रहा हूँ. उसके बाद और बच्चे एक लाइन बोलते हैं, मम्मा मुझे प्लीज सोने दीजिए. बोलते हैं ना? तो अब हम उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लेट मी स्लीप. Let me sleep. मुझे सोने दीजिए. बोलेंगे ना मम्मा से? मम्मा कहेंगे उठ जाओ. आप बोलेंगे अभी उठ रहा हूँ. फिर क्या बोलेंगे? मम्मा प्लीज मुझे सोने दीजिए. फिर एक लाइन और बच्चे बोलते हैं, बहाना बनाते हैं उठने के लिए ताकि उन्हें उठना ना पड़े, उन्हें और मम्मा सोने दें. क्या बोलेंगे फिर? डोंट डिस्टर्ब मी. मम्मा मुझे परेशान मत करिए. D-O-N-T, don't. D-I-S-T-U-R-P, disturb any me. मुझे परेशान मत करिए. बोलते हैं ना सब बच्चे? उसके बाद एक बहाना और बनाते हैं. क्या बोलते हैं? मम्मा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है. बहाने बनाते हैं ना? हाँ, मैम को सब पता है. लेकिन आप फिर उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे मम्मा से? आई एम नॉट फीलिंग वेल. Feeling, F-E-E-L-I-N-G, feeling well. I am not feeling well. ठीक है? कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, मुझे परेशानी हो रही है. फिर एक बार और बनेगा. Today is holiday. आज छुट्टी है. मम्मा से बोलेंगे, Today is holiday. तो मम्मा क्या बोलती है? अब आप उठ गए मॉर्निंग में, मम्मा ने आपको उठा दिया. फिर मम्मा क्या कहती है? उठो जल्दी, हरी अप, जल्दी करो. फिर क्या होता है? आप उठ जाते हो, कभी इधर बैठते हो. फिर तो मम्मा क्या कहती है? हरी अप. कहती है ना मम्मा कि जल्दी करो, आपको स्कूल जाना है, जल्दी करो, हरी अप. उसके बाद आप क्या बोलते हो? ओके मॉम. ऐसे मुंह लटका के बोलते हो ओके मॉम, और कोई कोई स्माइल करके बोलता है यस बाबा, ओके मॉम. फिर मदर क्या बोलती है? जब आप उठते हो, ब्रश कर लेते हो, उसके बाद मम्मा क्या बोलती है? टेक बाथ, नहा लो. कौन कौन बच्चे मॉर्निंग में नहा रहे हैं आजकल? आज तो बहुत ठंड हो रही है आजकल. तो कौन कौन नहाता है मॉर्निंग में और कौन कौन नहीं नहाता है? बहुत अच्छे हैं जो नहीं नहाते होंगे कि ठंड हो रही है, मम्मा बहाने बनाते होंगे. लेकिन अगर आप नहाएंगे तो क्या होगा? फ्रेश फील करेंगे और आपकी बॉडी फिट एंड हेल्दी रहेगी. थोड़े गर्म पानी से नहाइए. तो मम्मा क्या बोलेंगे आपको? टेक बाथ, नहा लो. क्या बोलेंगी? टेक बाथ, नहा लो. अब फिर आप क्या बोलोगे? गोइंग. या फिर क्या बोल सकते हो? ओके मॉम, मतलब गोइंग मीन्स मैं जा रहा हूँ, मैं नहाने जा रहा हूँ. या फिर ओके मॉम. तो मम्मा बोलेंगे आपकी टेक बाथ, आप क्या बोलोगे? ओके मॉम या फिर गोइंग. आप इनमें से कुछ भी बोल सकते हो कि जा रहा हूँ नहाने या फिर ठीक है मॉम. फिर आपकी मम्मा क्या बोलेंगी? बेटा ब्रेकफास्ट इज रेडी, नाश्ता तैयार है. नहाने के बाद आपको भूख लगेगी बड़ी कस के. फिर कहोगे मम्मा नाश्ते में भूख लगी है, तो मम्मा क्या बोलेंगी? ब्रेकफास्ट इज रेडी. जो हम मॉर्निंग में खाते हैं
और जब रात में खाना खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डिनर। तो मम्मी क्या बोलेगी? ब्रेकफास्ट इज रेडी, नाश्ता तैयार है। BREAK ब्रेक, FAST फास्ट, ब्रेकफास्ट इज रेडी मींस नाश्ता तैयार है, ब्रेकफास्ट इज रेडी। अब और मम्मा क्या बोलेंगी? आओ बेटा नाश्ता ले लो, नाश्ता कर लो, बोलेंगी ना। उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हैव ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर लो, हैव ब्रेकफास्ट। फिर आप क्या बोलोगे मम्मा से? वेट मम्मा वेट, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे मम्मा? वेट आई एम कमिंग, कि मैं आ रहा हूं, प्लीज वेट करिए नाश्ते के लिए। बोलते हो वेयर आर माई शूज, WHERE वेयर, ARE MY SHOES शूज, वेयर आर माई शूज। आप अपनी मम्मा से पूछते हैं ना मम्मा, जब आप रेडी हो जाते हो कि मम्मा मेरी शूज कहाँ है, पूछते हैं ना सब बच्चे, तो आप उसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? कैसे मम्मा से बोलेंगे? मम्मा वेयर आर माई शूज। फिर से बोलिए सब बच्चे, वेयर आर माई शूज। ओके सब बच्चे, आगे से ऐसे ही पूछेंगे मम्मा से, आपको शूज है, स्लीपर्स है, सैंडल्स है, जो भी चाहिए होती है, तो आप अपनी मम्मा से यही बोलेंगे, वेयर आर माई शूज, या फिर आपको स्लीपर्स चाहिए अपनी, वेयर आर माई स्लीपर्स, या फिर आपको अपनी सैंडल्स चाहिए, वेयर आर माई सैंडल्स। ठीक है, जो भी, विच एवर यू वॉन्ट, देन यू से वेयर आर माई शूज, सैंडल, और फिर ओके देन मम्मा से, मम्मा क्या कहेंगी आपकी? द शूज आर ऑन द शू स्टैंड। आपकी शूज कहाँ होते हैं? शूज को रखने की एक जगह भी होती है, ठीक है, कहाँ होती है वो? शू स्टैंड बोलते हैं उसे ना, जहाँ पे हम सारे शूज, अपने स्लीपर्स सब एक जगह रखते हैं। ओके तो अपनी मम्मा क्या बोलेगी? शूज कहाँ रखे? शू स्टैंड पर रखे हैं। मम्मा बोलती है फिर आप उसे, मम्मा मेरे शूज कहाँ है? वेयर आर माई शूज। ये मम्मा से शूज आपके शू स्टैंड पे रखे हैं, तो आप उसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? द शूज आर ऑन द शू स्टैंड। कैसे बोलेंगे? शूज कहाँ रखे हैं? शू स्टैंड पर रखे हैं। नाउ रीड अगेन, द शूज आर ऑन द शू स्टैंड। सब बच्चे बोलेंगे मेरे साथ फिर से, द शूज आर ऑन द शू स्टैंड। रीड अगेन, द शूज आर ऑन द शू स्टैंड। नाउ क्लियर? ठीक है, अब फिर क्या होता है, आप शूज आपने पूछ लिए मम्मा से, मम्मा ने बता दिए, उसके बाद अब आपको क्या चाहिए? ड्रेस चाहिए। ठीक है, अगर स्कूल जाना है तो यूनिफॉर्म चाहिए, अगर आप घर में हैं, मार्केट जा रहे हैं घूमने के लिए, तो आपको ड्रेस चाहिए। तो आप मम्मा से क्या पूछेंगे? वेयर इज माई ड्रेस मॉम, मेरी ड्रेस कहाँ है मॉम? ठीक है, आपके सारी ड्रेसेस कौन रखती है? मम्मा रखती है। तो मम्मा से तो पूछेंगे, मम्मा वेयर इज माई ड्रेस, मेरी ड्रेस कहाँ रखी है, कहाँ है? तो फिर से बोलिए, वेयर इज माई ड्रेस। रीड अगेन, वेयर इज माई ड्रेस। फिर आप बताइए आपकी मम्मा क्या बोलेंगी? कहाँ रखी है? मम्मा ने आपकी ड्रेस निकाल के रखी है, या फिर अलमीरा में होगी, या फिर मम्मा ने आपकी ड्रेस निकाल के बेड पे रख दी होगी। सो मम्मा से, इट इज कैप्ट ऑन द बेड, वो कहाँ रखी है? बेड पे रखी है। आपकी ड्रेस कहाँ रखी है? मम्मा बोलेगी कि वो बेड पे रखी है। अगर मम्मा ने अलमारी में रखी होगी तो बोलेगी इट इज कैप्ट इन द अलमीरा। क्या बोलेगी? इट इज कैप्ट इन द अलमीरा। ओके क्या बोलेगी मम्मा? रीड अगेन, इट इज कैप्ट ऑन द बेड। रीड अगेन, इट इज कैप्ट ऑन द बेड। स्टूडेंट्स की कन्वर्सेशन है ये बैग। रीड अगेन, पैक माय बैग, और यू कैन से प्लीज गिव माय बैग, प्लीज गिव माय बैग। मम्मा पैक माय बैग, मेरा बैग पैक कर दो, या फिर प्लीज गिव माय बैग, मेरा बैग दे दीजिए। फिर आपकी मम्मा क्या बोलेंगी? टेक इट योरसेल्फ, कि अपने आप ले लो। बोलेंगी मम्मा कि आप अपने आप बैग ले लो, आपको जगह बता देंगी कि बेटा वहां रखा है, आप वहां पे वहां से ले लो।
क्या बोलेंगे पापा? टेक इट योर सेल्फ, टेक इट योर सेल्फ। ओके पापा आपसे बोलेंगी, आपने बैग पूछा तो मम्मा आपको बता देंगी और बोलेंगी टेक इट योर सेल्फ कि आप अपने आप बैग ले लो। सो स्टूडेंट्स, ये आपका कन्वर्सेशन था मॉर्निंग में जो आपकी मम्मा से होता है। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डू प्रैक्टिस दिस कन्वर्सेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज यूज इन डेली लाइफ एवरी डे इन मॉर्निंग। ठीक है, आप इसे प्लीज यूज करिए, कन्वर्सेशन करिए मम्मा के साथ, मम्मा से बोलिए, ठीक है, ताकि आपका कन्वर्सेशन अच्छा हो। हम आपको सिखाते हैं, आप भी प्रैक्टिस करिए। मुझे पता है सब बच्चे नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे कर रहे हैं, लेकिन सब बच्चों को करना है क्योंकि सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको इंग्लिश सीखनी है ना, कन्वर्सेशन इंग्लिश में टॉकिंग करनी है ना, जब सीखेंगे तभी आएगा। ओके नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रीड अगेन, यू से पैक माई बैग और यू कैन से प्लीज गिव माई बैग। रीड अगेन, पैक माई बैग, प्लीज गिव माई बैग। फिर मदर क्या बोलती है आपकी, टेक इट योर सेल्फ, टेक इट योर सेल्फ कि अपने आप ये बैग ले लो। तो चलिए अब आपको ये टॉपिक आपका मॉर्निंग आर्ट्स वाला मम्मा और किड वाला टॉपिक ये फिनिश हो गया आज। अब इसे आप घर पे प्रैक्टिस करिए ताकि आप अच्छे से सीख सकें। ठीक है।